जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आपके लिए एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाया हूं। वो क्या बिजनेस है, पूरी जानकारी श्री श्याम प्लास्टिक के संदीप अग्रवाल जी से बात करके लेते हैं। तो संदीप जी नमस्कार। नमस्कार, ये बताइए आपके पास कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे सब्सक्राइबर के लिए और नए नए लोगों के लिए, क्या बिजनेस है बताइए। मेरे पास RFL का इंपोर्ट किया जाता है, जो बांग्लादेश की कंपनी है। बांग्लादेश की कंपनी का इंपोर्ट किया जाता है, RFL उसका नाम है कंपनी का। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या है और लोग कैसे जुड़ के आपसे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हाउस होल्ड का टोटल प्रोडक्ट आता है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और कंपनियों का काम भी है अपने पास। अच्छा। जैसे मॉडर्न पेट वगैरह। अच्छा, उसमें आपको मैं कुछ प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप इम्पोर्टर हैं RFL के और भी कई कंपनीज के प्रोडक्ट, जो इंडिया बेस्ड कंपनी उनके भी प्रोडक्ट आपके पास हैं, मतलब बांग्लादेशी कंपनी का और इंडिया कंपनी का। इस तरह से आपके पास कई सारी वैरायटी, कई सारा रेंज है जिसको आप मेरे कस्टमर्स को या मतलब बिहार और झारखंड के कस्टमर को आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? हाउस होल्ड के हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। आइए देखते हैं इनके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है और आपके जीवन में इनके साथ जुड़ के क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स। एक हमारा ये प्रोडक्ट, ये है क्या है, ये काफी एक्सक्लूसिव है, बाथ टब बोलते हैं इसको। बाथ टब, जी ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है, इसका क्या रेंज होगा तकरीबन? इसका तकरीबन 330 रुपए के रेंज में आएगा। 330 रुपए का, जी जी। और अच्छा। इसका मार्केट में बिकने का 500 प्लस का रेट है। 500 प्लस का, जी। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट जो मैं पिछला वीडियो बनाया उससे कुछ कॉस्टली लग रहा है मुझे। सर ये सारा जो है एक नंबर दाने का बना हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा, ये एक नंबर का प्रोडक्ट है। तो गाइस अगर उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और पहले हम इसकी डिटेल पूरी जानकारी लेते हैं। ये क्या है? एक नंबर दाने का जो बनता है। अच्छा। वो फ्रेश हो गया, फ्रेश और जो सेकंड का बनता है उसका दाम कुछ कम होता है, क्वालिटी उसकी कमजोर होती है। अच्छा, उसके अपेक्षा ये ज्यादा टिकाऊ है। ठीक है, अब और दिखाइए आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। जैसे देखिए अपने पास एक ये है टॉमी ऑर्गेनाइजर। टॉमी ऑर्गेनाइजर क्या है? ये बच्चे लोगों के लिए या मेकअप बॉक्स के लिए बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसका क्या रेट होगा? 210 के करीबन आएगा। 210। हाँ। अच्छा ठीक है, अगला कुछ प्रोडक्ट दिखाइए। जैसे ये बेड पान है। जो बेड पान? हाँ। ये क्या होता है? ये जो टॉयलेट वगैरह जो बेड पे लोग रहते हैं। अच्छा। उसके टॉयलेट वगैरह के यूज में आता है ये प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये भी बांग्लादेश का ही है। मतलब जो लोग मतलब ओल्ड एज में हो जाते हैं या जो मतलब कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होती है जो उस टाइम यूज करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और इसका 120 रुपए करीबन का रेट है। 120 रुपए का, ये इंडियन प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, बांग्लादेश का। बांग्लादेश। अभी मैं सारा प्रोडक्ट आपको बांग्लादेश का ही दिखा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, और दिखाइए इसका। जैसे ये डस्टपान है। डस्टपान, ये मात्र 18 रुपए का। ये मात्र 18 रुपए का, ठीक है। एक ये कंपनी बनाती है, एक इसका ये डस्टपान आता है। अच्छा। हाँ, ये किसी भी कंपनी में इस टाइप का नहीं बनता है। अच्छा, इसका मात्र 35 रुपया। इसका मात्र 35 रुपये। 35 रुपया, जी ठीक है। ऐसे हमारे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगला प्रोडक्ट कौन सा है वो दिखाइए। अगला ये राइस वॉशिंग नेट बोल के आता है। अच्छा, राइस वॉशिंग नेट। इसकी ये हैवी क्वालिटी है। अच्छा, इसमें गर्म पानी में भी ये पिघलता नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत इसकी है। ठीक है, इसमें अपने पास चार साइज आते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, जिसमें 14 रुपए के रेंज से स्टार्ट है। 14 रुपए से स्टार्टिंग है। तो गाइस याद रखना है, 14 रुपए से ये स्टार्टिंग है और ये प्रोडक्ट जो है सब एक नंबर दाने का बना हुआ है, यानी कि इसका क्वालिटी जो है काफी मतलब मजबूत है और काफी टाइम में टिकाऊ है। तो दिखाइए अब अगला प्रोडक्ट क्या है। एक ये देख सकते हैं। अच्छा, ये ब्रश स्टैंड है और इसका रेट मात्र 40 रुपये। मात्र 40 रुपये इसका रेट है, जी। हाँ, मुझे भी लगता है कि काफी टिकाऊ है और मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी बनस्पत कुछ कमजोर प्रोडक्ट के, तो काफी टिकाऊ है ये। अगला दिखाइए। इसकी ये रेक आती है, रेक कई साइज की। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसका करीबन 140 रुपये के आसपास पड़ता है। इसका एक इस रेक का 140 रुपये, जी ठीक है। और दिखाइए। और रेक में हमारे पास और बहुत सारी क्वालिटीज है। अच्छा, जैसे ये है 130 रुपए के रेंज का। अच्छा अच्छा, ऐसे बहुत सारे। तो गाइस आपको मैं कुछ प्रोडक्ट जो यहाँ इन्होंने सैंपल में रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनका स्टोर है जहाँ पे डिस्प्ले करके सारा कुछ रखे हुए हैं, बाकी गोडाउन अलग है। तो ये थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये कौन कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे ये हो गया, उधर हो गया। तो प्रोडक्ट का रेंज काफी है, प्लास्टिक से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट है,
ये जो प्रोडक्ट है ये सारा पैकेट में पैक है, तो ये सारा प्रोडक्ट जो है ये क्या बोलते हैं बांग्लादेश से आया हुआ है जी, सारा बांग्लादेश, इसीलिए पैकिंग इस तरह के पैकिंग में आता है। ठीक है, इधर भी आ जाइए, कुछ प्रोडक्ट हम और भी दिखा देते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट है इनके पास। तो इधर भी कुछ प्रोडक्ट रखा हुआ है जिसका कि सैंपल रखा हुआ है, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स का सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं। और अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहाँ कहाँ तक सामान प्रोवाइड करा सकते हैं? पूरे बिहार झारखंड में, कहीं पूरे बिहार और झारखंड में कहीं से भी कोई फोन करे या किस तरीके से ले सकता है? आपका कॉन्टेक्ट क्या, कम्युनिकेशन का कैसे है? हमारा ट्रांसपोर्ट बस, जैसे लोग चाहे ले सकते हैं, ले सकते हैं। मिनिमम कितने का लेना पड़ेगा? मिनिमम 5000 रुपए। मिनिमम 5000 से वो ले सकता है, उससे स्टार्ट कर सकता है। इसमें ऑन एन एवरेज कितना बचत होता है? ऑन एन एवरेज 30% का मार्जिन है, मिनिमम 30% का मार्जिन है। तो आपके साथ जुड़ के कैसे लोग बिजनेस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर लोग रोज अगर 1000 रुपए का बिजनेस करता है तो मिनिमम 300 रुपए उसके घर में आना है। 300 रुपए, ठीक है। और तो अगर वो महीने का बिजनेस करता है तो 9000 रुपया उसके घर में उतरने। हाँ हाँ हाँ, 9000 रुपया यानी कि टोटल अगर आप 1000 का बिजनेस इनके साथ जुड़ के करते हैं तो 9000 रुपये महीना कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का अगर आप बेचते हैं तो उस पर 300 रुपये का प्रॉफिट है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ना ये सड़ता है ना ये गलता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इम्पोर्ट किया हुआ एक नंबर का माल है बांग्लादेश का। तो आप सबके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है विद एड्रेस, वहां से जुड़ के इनके साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या एग्जिस्टिंग बिजनेस आपको कोई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इनके प्रोडक्ट को लेके अपने बिजनेस का रेंज, बिजनेस की वैरायटी और अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस यहां तक मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, सारा एड्रेस सब कुछ इनके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो आ रहा है पसंद तो करना है लाइक, और मैं वादा करता हूं आपको कि बिहार और झारखंड के अंदर हर उस बिजनेसमैन को, हर उस स्टॉकिस्ट को, हर उस इम्पोर्टर को आप तक पहुंचा के छोड़ूंगा। बीच के बिचौलियों को खत्म करना मेरा उद्देश्य है और मैं आपको वादा करता हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो आ रहा है पसंद तो कीजिएगा लाइक, शेयर करिए और कीजिएगा सब्सक्राइब मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।